डर करें हमारे ओपोनेट्स पहला मैच हम वेलेंसिया के अवे ग्राउंड पे गए हम जीते दूसरा मैच एथलेटिक बिलबाव अगेंस्ट हम जीत रहे हैं टू वन एंड एथलेटिक बिलबाव हमारी बोगी टीम रही है रीसेंट हिस्ट्री में बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस टीम इन लाली का और इंटेंसिटी भाई दुश्मन है बार्सिलोना की ठीक है बट द वे फ्लिक मैनेज दिस टीम येस्टेडेडेड हम बिल्कुल लॉन्ग बॉल्स पर नहीं पिल रहे थे हम बिल्कुल प्रेसिंग में पीछे नहीं हो रहे थे उनसे इट वॉज अ परफॉर्मेंस लेकिन हमारी खुशी किसी से देखी नहीं जा रही ठीक है लुक एट दिस गाय भाई यश भाई यू आर अ क्रिमिनल फॉर दिस बिकॉज छूटते ही बंदे ने वीडियो डाल दी रात को मैच हुआ अगले दिन सुबह सुबह भाई इतनी डेडिकेट बारसोना को जिंक्स करने की इट इज क्रेजी भाई बट एनी anyway, मैं जब इस टीम को देख रहा हूं आई फील गुड बिकॉज इतने अंधेरे में देर इज स्पार्क ऑफ एक्साइटमेंट इन टीम बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट नहीं है आई बी परफेक्ट नहीं है सब कुछ बढ़िया नहीं है बट मैं बार्सिलोना का मैच जाता तो मैं ऐसा नहीं होता कि भाई क्यों फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा बिकॉज बारसोना आर प्लेइंग गुड और अब लाइनअप पर नजर डाल लो तो इट सीम्स क्रिमिनल कि बारसोना की फर्स्ट टीम ऐसे लाइनअप हो रही है व्हाट द हेल इज इनिगो मार्टिन इज डूइंग एज अ स्टार्टिंग सेंटर बैक भाई ऑनिस्टली ठीक है बर्नाल कौन है ये ठीक है यंग प्लेयर अच्छा है अच्छा प्लेयर है बट एकदम से स्टार्टिंग लाइनअप पे क्या कर भाई बिलबाओ के गेंट बट कंडीशन को दिखाती है के वी आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन राइट ना हमारे पास पैसे नहीं है हमारे पास यू नो लेवरेज नहीं है कुछ भी हमारे प्लेयर्स में पिक करने के लिए और ऊपर से इंजरी रिकॉर्ड जो हमारा है भाई, भाई जो कर सकता पता नहीं बट भाई इस टीम के साथ भी फ्लिक बॉल्ड और मैं प्लेयर्स पे आऊँ तो आई थिंक दे वर नॉमिनल भाई दे शोड अकाउंटेबिलिटी दे शोड दैट हंगर दैट डिजायर दैट ग्रिट और अगर वो वो सब नहीं करते तो फ्लिक कुछ नहीं कर सकता भाई टीम इज एज गुड एज इट्स मैनेजर एंड अ मैनेजर एज गुड एज इट्स टीम भाई दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एंड दोनों शोडअप एक दूसरे के लिए हम बात करेंगे बर्नाल के बारे में भाई तो हमारे दो पिव थे पेडरी एंड बर्नाल थॉट देर फिनल आई भाई उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर दी ठीक है क्रिस्टियनसन की इंजरी जस्ट माइट बी अ ब्लेसिंग बिकॉज अगर क्रिस्चियंसन अवेलेबल होता तो आई एम श्योर और रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि फ्लिक ट्राई करेगा क्रिस्टनसन को एज अ पेविट तो फिर हमारी पेवेट वो होती क्रिस्चियनसन एंड पेडरी आज के मैच में बट क्रिस्टियनसन को इंजर्ड है इसलिए बर्नाल ने स्टार्ट किया एंड दैट बॉय वॉज गुड भाई और जब डियोंग आएगा बिकॉज पेडरी इज नॉट अ पेवेट नेचुरली और वो सपोर्ट कर रहा था बर्नाल को बट डियोंग जब आएगा डियोंग और बर्नाल भाई दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फिर इन माई ओपिनियन और सब कुछ बढ़िया होने वाला है और फिर हम जाते हैं थोड़ा बैक लाइन की तरफ जूल्स कुंडे भाई दैट वॉज आउट परफॉर्मेंस फॉर मी गोइंग फॉरवर्ड ही और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ पाहु कुबारी के बारे में भाई पाहू कुबारसी इज जस्ट अ क्रेजी टैलेंट भाई गोल्ड मेडलिस्ट है बंदा ओलंपिक्स जीत चुका है अभी सोलह सतारह साल का है और लमी नमाल के अराउंड बहुत हाइप है ठीक है बट जस्ट बिकॉज पाउकूबार सी एज अ डिफेंडर भाई उसके अराउंड जो हाइप होनी चाहिए वो है ही नहीं बिकॉज दिस गाय इज अ फिनल टैलेंट और हमारा जो अटैक है उससे स्टार्ट होता है हमारा जो डिफेंस है वो उससे रुकता है भाई ही इज एवरीवेयर भाई उसकी जैसी प्रोफाइल है इज नॉट ऑल हि इज नॉट स्ट्रॉन्ग अगर वो पिवेट में आता है अगर वो अपना बॉडी को स्ट्रक्चर कर सकता है टू प्ले अट रोल भाई तो वो वो भी खेल सकता है आई एल नॉट बी यू नो सप्राइज बाय इट और फिर हम बात करते हैं हमारी फ्रेंट थ्री के बारे में भाई एवरी वन शोडअप की शोडअप ऑल दि मिज अलॉट ऑफ चांसेस बिट से उसको, उसको प्लेट पे बॉल देनी चाहिए थी बट ही वेंट हिमसेल्फ और उसने पोस्ट हिट किया और भी कंप्लेंट करा था में मान लिया भाई कुछ कुछ सीन्स में उसकी गलती थी बट ही स्कोर विनर अगेन अ डिसाइसिव गोल अगेन इन सीजन और यही चीज से बिकॉज हीट्रिक बट जो उसकी वो है भाई इंस्टिंक्ट है इन फ्रंट ऑफ गोल वो नहीं जानी चाहिए और उसी के लिए हमारे को चाहिए लीग जीतने के लिए यू डोंट नीड टू स्कोर इन बिग मूवमेंट्स लीग जीतने के लिए यू नीड टू स्कोर एवरी सिंगल टाइम यू नीड टू स्कोर वॉल्यूम ऑफ गोल्स और वर्ल्ड फुटबॉल में अभी भी स्टिल ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम गोल स्कोर यू वेर फाइंड और उसके बाद हम चलते हैं रफीनिया के बारे में भाई दैट गाय डिजर्व्स ऑल ऑफ योर रिस्पेक्ट Because जो पिछले छह सात आठ महीने में उसकी ग्लव हैफी हमेशा सा प्लेयर रहा है जो बिल्कुल भाई क्या है जो ही जस्ट वॉन्ट्स टू मेक इट क्विक वो प्रेस करेगा भागेगा नो no प्लान वो अटैक करेगा देर इज नो प्लान वो जस्ट भागेगा ही इज जस्ट इंस्टिंक्टिवली ड्रिवन प्लेयर भाई वो बस भागेगा ही वॉन्ट वेट लो पौजा नहीं दिखाएगा यह सब नहीं करेगा ही जस्ट वॉन्ट्स टू गेट इट डन और फ्लिक के फुटबॉल में ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल एज नंबर टेन भाई और नंबर टेन मतलब उसको लेफ्ट पे नंबर टेन पे जो जो रिस्पांसिबिलिटी जावी ने दी थी प्लेड देयर इन सेंट्रल रोल में ही वॉज देर बट मोस्टली ही वॉज ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट बट फ्लिक ने उसको जैसे इंटीग्रेट किया थ्रू द मिडिल और उसको लेफ्ट पे भी डाला है। भाई ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग ऑन अ वेरी हाई लेवल और पी एच जी के गेम्स के बाद से ही रफीनिया बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रही शोइंग दैट सुगर और हमारे विंगर को वह ही और भाई ही वॉज फिनॉमिनल आई विल बी ऑनस्ट और अब वर्ड्स आर नॉट इनफ अबाउट दिस प्लेयर भाई लमीन जे माल द स्टॉक्स आर अप मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता दैट स्ट्राइक रिमाइंडेड मी ऑफ लियन एल मैं सी ऑल दिक डिफ्लेक्शन थी बट स्टिल भाई एट हिज एज कमेंडेबल कोई भी कोच का मैनेज करेगा भाई वो कभी टैलेंट से दूर नहीं जा रहा उसके पास भर भर के टैलेंट है बिकॉज दे हैव लामाशी हमारे को जरूरत नहीं कि हमारे विंडो पे सौ अस्सी नब्बे मिलियन फैंक के कोई प्लेयर लें वी डोंट नीड टू डू दट बरनाल अगर इस टीम में फिट होता तो भाई गुड बरना हम देख ही है कि राइट हैंड साइड जो डेंबले को बेचा था हमने हमारे जो वाइड था राइट हैंड साइड पे दैट वॉज कवर्ड बाई ली निमाल फ्री में लमाशी से प्लेयर आया हम सेंट बैक में देख रहे हैं पा कुबारी एज मेड इज पोजिशन इजन अभी तक ही और भाई यू can't praise दीज यंग टैलेंट्स इनफ और एक लॉन्डा जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जो मेरा फेवरेट प्लेयर है इस टीम में पेड्री एंड भाई उसको गए खेलते देख के भाई इट जस्ट पुट्स स्माइल ऑन माई फेस ही इज़ अ सुंदर प्लेयर इज अ ब्यूटिफुल प्लेयर ही इज़ फुटबॉल आई एल बी ऑनेट और भाई उसके बारे में द वर्ड्स आर नॉट इनफ भगवान उसको बस फिट रखे बिकॉज इफ़ ही इज़ फिट ही कैन बी द बेस्ट प्लेयर इन द वल्ड भाई और अब क्या बात करें भाई दैट इज इट पार्सलों के गंदे टाइम चल रहा है बट आई एम फीलिंग दीज पॉजिटिव वाइब्स और ये इसका सोल रीजन है हांजी फ्लिक और हमारे पास बजट नहीं था कि हम प्लेयर्स को चेंज करें तो हमने मैनेजर को ही चेंज कर दिया एंड ये दिखाता है कि मैनेजर्स कितने इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फुटबॉल में आई थिंक द लीगा रेस इज ऑन और जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि बार सोना विल कंपीट फॉर ललिगा ऐसे नहीं कि रियाल मेड विल जस्ट वॉक अवे विद इट तो रियाल मेडिड की बात जब मैंने करी लिया तो लेट्स मूव टू दे वॉन थ्री नल और स्कोरलैंड जितनी वन साइड लगते मैच उतना वन साइड था नहीं बट जितनी इंडिविजुअल क्वालिटी रियाल मेडिड के पास है भाई दीज प्लेयर्स कैन डिसाइड द मैच ऑन देर ओन सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जो कल के मैच के बारे में जिसको मेरे को डिस्कस करना इज द रोल ऑफ एम बाप इन दिस टीम इज नॉट अ नेचुरल नंबर नाइन ही वॉन्ट perform at his best as a number nine that is a fact ठीक है वो गोल स्कोर करता है वो इज इज वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोर इन द वर्ल्ड राइट ना बट जरूरी नहीं अगर आप वॉल्यूम गोल स्कोरर हो तो आप एक स्ट्राइकर बन ही जाओ बिकॉज साला स्कोर 30 35 40 गोल्स गोल्स सीजन उसको आप डालो स्ट्राइकर पोजीशन में ही वॉन्ट स्कोर मोर देन टेन गोल्स बिकॉज उसकी प्रोफाइल नहीं हि नीड्स दैट स्पेस ऑन द राइट हैंड साइड ही नीड्स टू कट इन ऑन इज राइट फुट फेवरेट फुट और उसको वहां से स्ट्राइक्स लेनी उसको वहां से गेम प्ले रन करना एम बाप इज सिमिलर प्लेयर उसको लेफ्ट विंगर दो भाई उसको लेफ्ट विंग की पोजिशन दो बिकॉज सेंट्रली यू हैव टू हैव दैट यू नो क्लोज कंट्रोल यू हैव टू हैव दैट फिजिकालिटी यू हैव टू हैव दैट इंटेलिजेंस और हम बापे सब लैक करते हैं एज ए नंबर नाइन ठीक है और हम जब हम देखते हैं उस बेंच पे तो एंड्रिक बैठा भाई दैट इज स्पेशल और जो उसकी चल रही थी श ऑन और उसके स्टेटमेंट थोड़ी सी क्रिंज है थोड़ी सी वियर्ड है बट स्टिल सिक्सटीन सेवनटीन एंड ही नीड्स दैट टाइम ही नीड्स दट लव फ्रॉम द फैन नीड्स दट सपोर्ट तभी वो परफॉर्म करेगा और भाई अंबापे का जो टॉपिक है ना इट्स वेरी कॉम्प्लीटेड एट बिकॉज एज अंबर नैन ही ज ए नंबर नाइन अंड्रिक इज बेटर देन एम एज ए लेफ्ट विंगर आई डोंट थिंक सो कि वो उसकी टीम में कभी भी मिल पाएगी उसको जगह बिकॉज विनीशियस इज देयर लेफ्ट विंगर यू एज प्रूवन फॉर द लास्ट थ्री फोर इयस और जब आप देखते हो राइट विंग पे बापे का बेस्ट फुटबॉल आया था राइट विंग पे मोनोक में जो वो था बट स्टिल भाई कितने साल हो गए उसको वो खेल हुए ही इज नॉट दैट स्किनी विंगर जो भाई पेशी है जो गाय ही इज बल्ड अप अगर आप उसको देखोगे तो हैज गेंड अ लॉट ऑफ वेट और उसकी मोबिलिटी भी कम हुई अब ही कैट प्ले दैट लेफ्ट राइट विंगर रोल बेटर देन रॉड्री बेटर देन बब्राहिम डियास ब्राहिम इज द बेस्ट राइट विंगर दे हैव आई डोंट नो भाई कार लोग उसको स्टार्ट नहीं करते बिकॉज अगर मेरे ऊपर होती है चीज तो मैं उसको एवरी सिंगल टाइम राइट विंग में स्टार्ट करता एंड भाई फिर आप देखते हो बापे को तो है भाई उसका रोल बिकॉज रियल रियलमिटी डोंट नीड एम बापा सीरियसली अं बापी नीड्स रियल ड्रेड और आई डोंट थिंक सो कि इस पूरी फ्रंट लाइन फिट्स वेर अपार्ट फ्रॉम दैट लेफ्ट विंग और मेरे को नहीं लगता है कल नहीं है वेरी लॉयल प्लेयर फॉर दिस टीम ऑलवेज शोन कितना मीन करता है और विनीशियस जूनियर एज अ स्टार्टर इन विंग रियाल मेडिड ऑलरेडी दो चैंपियंस लीग जीत चुका है तीन सालों में तो वाई विल द चेंज इट भाई रियाल मेडिड को मैं जब देखता हूँ तो आई फील लाइक आर अ फिनल टीम उनका जो अटैकिंग थ्रेट है इज क्रेजी क्रेजी राइट विंगर की हम बात कर रहे थे रोड्रिगो डियाज गुलेर को खिला दो वो पेल देगा भाई वहाँ पे गुलेर की पोजीशन आउट वाइड राइट पर हमने देखा उसको बॉल करते हो यूरोज में अब वहाँ पे फेडरबल वर्डे को खिला दो डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट अटैकिंग वाइज मिडफीडवाइज डिफेंस में, में थोड़ा लैक कर रहे हो मे बी गोल कीपिंग वाइज द टैलेंट इज क्रेजी द डेप्थ इज क्रेजी और मैनेजर आपको देखोगे तो अगर पूरी दुनिया में अगर आपको किसको बैक करना होगा टू मैनेज ईगोस इट विल ऑलवेज भी कार्लो एंड चलोटी तो भाई स्टिल फेवरेट्स मेरे हिसाब से रियाल मड वाली हैं बट भाई बारसिलोना है नॉट हेयर टू प्ले दे आर here टू विन और एथलेटिको मेड्रिड को भी आप देखो तो दे ऑल्सो वन थ्री nil yesterday. और ग्रीज ऑफ नॉमिनल फ्री किक तो भाई लली का स्पाइसिंग अप दिस सीजन और थ्री हॉर्स रेस होने वाली है और आई होप हो भी बिकॉज इट हैज बीन सच ए लॉन्ग टाइम जब हुआ, हुआ, हुआ think, हो यह सब लास्ट टाइम आई थिंक दो हज़ार इक्कीस में हुआ था जब एथलेटिको जीत गई थी स्वारिस जीत गया था एंड वट अ रेस इट वॉज ठीक है तो आई होप इस साल भी हो और आपके क्या थाट्स है आपको बार में कौन सबसे ज्यादा पसंद लगा आपको रियान मड्रिड की गेम में सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगा और एथलेटिको मड्रिड की गेम में भी कौन अच्छा लगा डू टेल मिन द कॉमेंट्स और यही था आज की वीडियो में चैनल का लोगो फ्लैश हो है क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पे कोई पुरानी वीडियो फ्लैश हो रही है मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल एंड आई सी द नेक्स्ट वन पीस आउट